एक संदेश मिला मुझे, कैमरा निकोन डी 7200 का वाईफाई हम किस प्रकार से इस मोबाइल के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए, मैं समझता हूँ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। श्यामल विश्वास जी, इनका मैसेज है, एज यूअर इंट्रेक्शन आई हैव कम्प्लीटेड ऑल स्टेप इन माई स्मार्टफोन एज वेल एज इन कैमरा। इसके अंदर इन्होंने पूछा कि मैं 7200 कैमरा यूज़ करता हूँ और उसके बावजूद भी मैंने कई बार कोशिशें की लेकिन फेल्ड हो जाता है, वाईफाई कनेक्ट प्रॉपरली नहीं होता है। यह मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर में आके आप यहाँ पर WMU लिख दीजिए, सबसे ऊपर आप इसको क्लिक कर दीजिए, वायरलेस मोबाइल यूटिलिटी। मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ से। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। अब चलते हैं हम कैमरे की तरफ। सेटअप मेन्यू में आप आ जाइए और इसमें यहाँ पर जो वाईफाई है इसको आप इनेबल यहाँ से कर दीजिए। आप लाइव मोड में आ गए हैं, ये जो मार्किंग है ये अभी फ्लैशिंग होने लग गया है, इस मार्किंग को आप ज़रूर देखिए। हम आ गए हैं मोबाइल की तरफ, यहाँ पर देखिए वाईफाई का ऊपर मार्किंग है, इसको आपको एक बार दबा देना है, यहाँ से ऑन कर दीजिए। जैसे ही वाईफाई को हमने ऑन किया आपको नीचे दिखाई दे रहा है निकोन डी 7200, ये कनेक्ट हो रहा है अभी, इसको हम दबा देते हैं एक बार। और अगर हमारा कोई दूसरा जो वाईफाई है इससे जुड़ा हुआ है तो हम इसे फॉरगेट नहीं करें। जब हमारा मोबाइल कैमरा से कनेक्ट हो जाता है हम इस एप्लीकेशन को वापस खोल लेंगे, यहाँ पर हम व्यू फोटो में आ जाएंगे, पिक्चर ऑन कैमरा, पिक्चर ऑन स्मार्ट डिवाइस, तो हमें पिक्चर ऑन कैमरा को ओपन कर लेना है। हम जैसे इसको ओपन करेंगे आप यहाँ पे नीचे देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग अभी चलना शुरू हो गया है और कैमरे की लाइटिंग को देखिए वो फ्लैशिंग हो रही है, यानी कैमरे के अंदर कितने फोटोग्राफ अभी हैं उन सब को ये रीड कर रहा है। अभी हमें हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ये देखिए फोल्डर पिक्चर ऑन कैमरा 7200 233, इसके अंदर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ये सारी पिक्चर्स इसमें आ गई है। तो इन पिक्चर्स को अब यदि हमें डाउनलोड करना है तो हमें इस प्रकार से इसको दबाए रखना है। देखिए यहाँ पर एक चेक मार्क आ गया है अपने आप, अब आपको ये भी चाहिए तो इस प्रकार से चेक करते जाएं। यहाँ से हम जिसको टच करेंगे उस पर चेकिंग का मार्क यहाँ पर लग जाएगा। और अगर हमें सबको अगर लेना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल, तो हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे। अब आप देखिए इस जितने भी पिक्चर्स आपको दिख रही है उस पर ये ग्रीन मार्किंग यहाँ पर सब के लग गया है। डाउनलोड का जो नीचे नीचे बटन है ये देखिए, इस डाउनलोड के बटन को हम दबाएंगे, 233 फाइल सेलेक्टेड, स्टार्ट डाउनलोड, यस आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड का बटन दबा दीजिए। 1x1 पिक्चर आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड होना शुरू हो गई है। वीडियो फाइल्स जो होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो वाईफाई से डाउनलोड नहीं होती है। कैमरे को भी यहाँ पे देखिए, देखिए वो फ्लैशिंग कर रहा है। कैंसल का एक आइकॉन यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम दबा देंगे तो ये डाउनलोड होना बंद हो जाएगा, लेकिन जो 51 या 52 अभी जो लगातार फाइल्स अंदर जा चुकी है वो हमारे डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से इसको अब कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो चुका है और जितनी भी हमारी फाइल्स जो थी वो हमारे इस डिवाइस के अंदर यहाँ पर आ चुकी है। इसका और इसका फोटो अगर हम लेना चाहें डिवाइस के अंदर, इसको हम एक बार दबा देंगे और फिर विंडो एक ये खुल जाएगी, फिर यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए आप। तो ये दोनों ही फाइल्स देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड कंप्लीट, हम इसको ओके कर देंगे और देखते हैं कि ये पिक्चर्स किस जगह पर डाउनलोड हुई है। ये हो गई गैलरी और ये देखिए सारी पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लग गई है। ये देखिए जितनी पिक्चर्स हमने अभी इसके अंदर ली वो सारी हमारे इस कैमरे के अंदर आ गई है। हम चाहें तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और हम चाहें तो ये देखिए शेयर बटन है, इस शेयर बटन पर जैसे हम पुश करेंगे तो आपके जितने भी शेयरिंग के जो सिस्टम है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अगेन चलते हैं इसके अंदर,
टेक फोटो के अंदर हम आ जाएंगे। देखिए टेक फोटो में कैमरे के सामने जो पिक्चर लगी हुई है वो ये पिक्चर लगी हुई है, और हम इसको अब यहाँ से अगर ये बटन दबा देंगे तो देखिए वो पिक्चर इस कैमरे ने ले ली है। ये देखिए, ये इसको मैं कैमरे के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, ये हमारे इस मोबाइल के अंदर भी देखो लाइव दिखने लग गई है, कैमरा अपने आप फोकस कर रहा है। ये आपको बटन दिख रहा है, इस बटन को हम दबा देंगे तो कैमरे से आवाज़ निकलेगी, मतलब समझे आप, यानी हमारा इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं लगा हुआ है लेकिन वायरलेस काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। अगर इसको हटा दें और गणेश जी की मूर्ति वापस यहाँ पे, ये देखिए मेरा हाथ भी आपको दिखाई दे रहा है, यही जो बटन लगा हुआ है इसको हम एक बार और दबा देंगे। ये देखिए मैंने दो बार तीन बार दबा दिए, फट फोटो खींच दिए, और फोटो खींचने के बाद में इसके ऊपर देखो ये डाउनलोड यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम इसको देखना भी चाहें तो देखिए ये फोटो आ गई, जो अभी कैमरे के अंदर जो पिक्चर्स है वो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, जितनी हमने फोटो खींची वो देखो, ये हमने ये फोटो खींची थी ये आ गई। इन दोनों को रख देते हैं, चलिए कैमरा कनेक्ट है, हम इसको एक बार और दबा देते हैं। ये देखिए ये फोटो आ गई है, और फोटो जैसे ही आई और यहाँ पर ये दिखने लग गई हमको, ये देखो। अब हम जिधर जिधर भी इस कैमरे को घुमाएंगे वैसे वैसे इसके ऊपर हमें लाइव शॉट दिखता जाएगा। ये वापस हमने वापस उसी मोड में आ गए, अब आप देखिए मैं अगर कैमरे को घुमा रहा हूँ तो इस प्रकार से ये हिलना डुलना शुरू हो गया, और अगर इस कैमरे को मैं अपनी तरफ अगर मैं इसको करूँगा तो देखिए मेरी पिक्चर भी आपको इसके अंदर दिखाई देने लग गई है। जहाँ जहाँ हम कैमरे को घुमाएंगे वहाँ वहाँ पर पिक्चर हमें इस मोबाइल के ऊपर दिखाई देगी। यहाँ पर बैटरी अभी 100% है, ये कैमरे की बैटरी है वो दिखा रहा है, कैमरे की जो सेटिंग है अभी वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर सामने जो ये पिक्चर लगी हुई है इसको अगर मैं एक्सपोज करना चाहूँ तो इस बटन को हम दबा देंगे, ये देखिए रिमोट का काम कर रहा है। रिमोट की तरह हम हमारे इस मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमरे और मोबाइल के अंदर कहीं कोई केबल नहीं लगी हुई है। हमारा मोबाइल और कैमरा ये जुड़ा हुआ है या नहीं इसके लिए आप यहाँ से देखिए, ये फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, और अगर हमारा कैमरा इससे डिसकनेक्ट रहेगा, अभी देखिए डिसकनेक्ट हो गया, अब फ्लैश हो रहा है। अब जब ये डिसकनेक्ट हो जाए तो हमें फिर वापस मेन्यू में जाना है, वाईफाई को ऑन करना है, मोबाइल एप्लीकेशन में हम देखेंगे तो स्वतः ही ये जुड़ गया है। इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो हमारा कनेक्शन टाइम आउट हो चुका है और हम इससे बाहर निकल गए हैं, और वापस यदि हम इसको ऑन कर देंगे तो ऑन करने के साथ में ही देखिए निकॉन डी 7200 आपके यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, और अगर आप वापस उसी एप्लीकेशन के अंदर आ गए तो आपको यहाँ पर ये दृश्य दिखाई दे जाएगा। आपको फोटो देखना है आप व्यू फोटो कीजिए, पिक्चर ऑन कैमरा कीजिए, यहाँ से देखिए डाउनलोडिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो ये जब एंड तक जाएगा तो इसके अंदर कितनी पिक्चर्स है वो सारी इसके ऊपर ये पूरा हो चुका है यहाँ पर, और थोड़ा सा वक्त लेता है, और हमने जितने भी पिक्चर्स लिए वो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देने लग गए हैं। यहाँ पर देखिए सेटिंग है, इस सेटिंग में जाकर के आप अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं। ये अभी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आप नहीं छेड़ें, और इमेज साइज जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको अगर आप एक बार दबा देंगे तो आपको देखिए इमेज साइज के बारे में रिकमेंडेड साइज और VGA इमेज साइज, आप यहाँ से इमेज साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं। फ़ोटो खींचना है ऊपर, फ़ोटो देखना है यहाँ आ जाओ, टेक फोटो में हम जाएंगे। एक सुविधा इसमें और है, ऊपर देखिए आप अभी मोबाइल के ऊपर है, अब हम इसको क्या करेंगे कैमरे से कर देते हैं, इसको हम कर देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा इस कंडीशन में, देखिए ये जो फोटो लगी हुई है यही हमें समझा रहा है, कैमरे का स्विच दबाइए। अब हम कैमरे का स्विच दबाएंगे तो फोटो इसके अंदर आती जाएगी। अब अगर इस कैमरे से अगर मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पर लेता हूँ, और देखिए ये मोबाइल के ऊपर अपने आप डाउनलोड हो गया है, मैं जैसे जैसे फोटोज खींचता जाऊँगा
वैसे वैसे डाउनलोड होते जाएंगे। यहाँ पर मोबाइल और कैमरे का संबंध इजी वे में हो गया है, कोई एक्स्ट्रा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एप्लीकेशन जो है इसकी WMU, इसको आपको लेना है और उसके बाद में आप भले डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखें, कैमरे की सेटिंग से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। कैमरे के अंदर हमने पहले वाईफाई ऑन किया, फिर हमने इसका वाईफाई ऑन किया, जैसे ही निकॉन डी 3200 यहाँ पे आया हमने उसको इससे कनेक्ट कर लिया, और जब कैमरे और मोबाइल की कनेक्टिविटी हो गई तो उसके बाद में हमने इस मोबाइल को कैमरे का रिमोट भी बना लिया और हम फोटो खींचते रहें और हम इसमें सेव भी करते रहें, उसी टाइम सेम टाइम में हम उसको शेयर भी करते रहें। हम कोई भी फ़ोटो खींचे और हम जहाँ चाहें वहाँ सोशल मीडिया पर भी इस एप्लीकेशन की मदद से हम आराम से सबको पूरी दुनिया में उनको फैला सकते हैं। डी 3200 के अंदर इस एप्लीकेशन का उपयोग होता है, 7-1 के अंदर भी होता है, 7-5 के अंदर भी होता है। सभी मॉडल के कैमरे जो होते हैं उसमें एप्लीकेशंस कौन सी आती है तो उसका अगर हमें पता नहीं होता है तो आप ऐसा कीजिए, इसके साथ में जो मैनुअल जो बुक आती है उसको आप पढ़िए। अब इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं वाईफाई के लिए, यहाँ पर देखिए व्हाट वाईफाई कैन डू फॉर यू वाईफाई। अब इस वाईफाई का देखो फोटो भी दे रखा है। आपको एप्लीकेशन का अगर पता नहीं है तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन सी लोड होगी, तो ये दोनों यहाँ पर एप्लीकेशन भी इसने बता के रखी है। जब इतना सब कुछ हमें कंपनी वाले दे देते हैं तो उसके बाद में हमें इसकी पहचान कि कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो यह मैनुअल बुक जो है इसको देख के कर लेना चाहिए। आईफोन के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पर जो इसमें लिंक दिया हुआ है इसमें, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर इस एप्लीकेशन का मैंने आपको पूरा अभी डेमो दिखा दिया है, और इसके बाद में मैं सोचता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं रहना चाहिए। और यदि आपका कनेक्ट हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में वापस लिख के बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ में। नमस्कार।